ओके सो लाइट चली गई है तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी दिखने में. ओके सो मेन बात यह है कि किन दो चीज़ों का यूज़ किया हमने, फर्स्ट लॉ का और पीवी इक्वल्स टू एनआरटी का. दोनों का यूज़ करके हम एक रिलेशन एडियाबेटिक केस के लिए लेकर आए हैं, पीवी रेस टू गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और उससे आप इजीली ये दोनों चीज़ों को डिराइव कर सकते हैं. मेन चीज़ है पीवी रेस टू गामा तक पहुँचना. ओके ठीक है. सो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर रहता है कॉन्स्टेंट, तो उसमें ये रिलेशन कैसा होता है? एडियाबेटिक प्रोसेस में मैंने कहा, एडियाबेटिक प्रोसेस में मैंने कहा कि पीवी रेस टू गामा कांस्टेंट होता है, ठीक है, और आइसोथर्मल प्रोसेस है ठीक है. आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी रेस टू क्या चीज जो है कांस्टेंट रहेगा, ये क्वेश्चन आपसे. आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी रेस टू क्या चीज कांस्टेंट रहने वाला है? यहाँ पे बताएंगे क्या नंबर आने वाला है, क्या 1 आएगा? ऑब्वियसली आप कहोगे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, ठीक है. आपने कह दिया टी कांस्टेंट है, ये सब चीजें कांस्टेंट है, तो इधर आ गया आपका कांस्टेंट, तो एसेंशियली यहां पे आ गया क्या चीज 1, ठीक है. आइसोबारिक प्रोसेस में पीवी रेस टू क्या चीज कांस्टेंट होता है? वी के पावर में क्या आएगा, क्या होता है आइसोबारिक प्रोसेस? प्रेशर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम की कितना पावर आएगा? 0 आ जाएगा. वॉल्यूम का पावर 0, ये चीज़ हो जाएगी प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है. सिमिलरली आइसोकोरिक प्रोसेस में तो उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है मतलब पी के पावर में 0 आ जाएगा, ठीक है, वी के पावर में 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है. वो कहने का तरीका है, आपको पता है क्या क्या होता है, ठीक है. मेन चीज़ें ये चीज़ नहीं है, जो चीज़ ऑब्वियस नहीं थी, ठीक है. सो अब पीवी डायग्राम को देखते हैं अगर, ठीक है, तो आइसोबारिक प्रोसेस पीवी डायग्राम में कैसा दिखने वाला है? पी वर्सेस वी अगर हमने बनाया है, ठीक है, किसी गैस को हम कंप्रेस एक्सपेंड कुछ किसी प्रोसेस के थ्रू जा रहा है और कहा गया कि वो प्रोसेस आइसोबारिक है, तो यहां पे कैसा दिखाई देगा? तो ऑफकोर्स आप सबको समझ में आ रहा है प्रेशर कॉन्स्टेंट रहने वाला है, तो फिर ये जो चीज है ये स्ट्रेट लाइन बनने वाली है. अब इस डायरेक्शन में हो चाहे इस डायरेक्शन में हो, ये ऐसी स्ट्रेट लाइन ही दिखाई देगा, आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है. आइसोकोरिक प्रोसेस कैसा दिखाई देगा? वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कहीं से भी स्टार्ट होता है, वॉल्यूम सेम रहेगा चाहे इधर जाए चाहे ऊपर जाए, ठीक है, ये आइसोकोरिक प्रोसेस का हो गया. अब आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें क्या सिचुएशन है? इसमें पी वी कांस्टेंट है, एसेंशियली आप कह रहे हैं P is something by V, ठीक है. तो ये ग्राफ कैसा दिखाई देगा आपको? तो एक कर्विंग होगी, ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी वाला सिचुएशन है. जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, जैसे जैसे आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे, प्रेशर क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है. तो इस डायरेक्शन में वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए, तो वो चीज़ आपको दिखाई देगा, एक कर्व टाइप के में दिखाई देगा,
ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी वाले केस में। यहाँ पे क्या प्रोपोर्शनैलिटी है, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी है पी इज समथिंग बाय वी रेज टू गामा है, ठीक है। अब गामा क्या चीज़ है, गामा अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की थी, सी वी प्लस आर अपॉन सी वी, हाँ सी वी प्लस आर अपॉन सी वी। तो गामा की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो वो किस टाइप का वैल्यू होगा, 0.5 होगा, 1 से कम होगा, 1 से ज़्यादा होगा, 1 से ज़्यादा होना है। अगर 1 से ज़्यादा होना है गामा को, तो ये जो ग्राफ है, ये जो फॉल होने वाला है, ये फास्टर फॉल होगा कि स्लोअर फॉल होगा। मान लेते चलो वो अजीबोगरीब लगता है, मान लेते हैं कि भाई ये होता वी रेज टू, बड़ा नंबर दे देते हैं 10, ठीक है, तो काफ़ी फास्ट फॉल होता, ठीक है। तो इसका मतलब 1 से जैसे ही बढ़ाएंगे हम लोग जो भी वैल्यू है, तो ये फॉल जो होगा ये थोड़ा फास्टर होगा। इस तरीके से आपका एडियाबेटिक प्रोसेस चला जाता है, ठीक है। अब वो अप टू द स्केल नहीं है, वो सब चीज़ें मैं ध्यान नहीं रख रहा। ये सारा सिचुएशन, ये चार स्पेशल प्रोसेस हैं जिनको पी वी ग्राफ में आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। अच्छा, पी वी ग्राफ का इम्पोर्टेंस क्यों है, पी वी ग्राफ, तो पी और वी आपको जो है वर्क डन में देखने को मिलता है। वर्क डन क्या आप कहते हैं, इंटीग्रल पी डी वी, ठीक है, इंटीग्रल पी डी वी। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है एरिया अंडर कर्व्स। एरिया अंडर कर्व्स में क्या होता है कि ऐसा कुछ इंटीग्रेशन है अगर, तो आप कहते हो कि P और V इनका अगर ग्राफ है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गए हम लोग, ठीक है, तो उसके बीच में ये जो एरिया है यही चीज़ इंटीग्रल पी डी वी के बराबर होगा, ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है कि यही चीज़ वर्क डन है, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि अगर आप पी वी ग्राफ बनाते हो किसी भी प्रोसेस का, तो उसके अंदर में जो एरिया है, नीचे एरिया है, उससे आपको उस प्रोसेस का वर्क डन सीधे सीधे मिल जाएगा, ठीक है, ये समझ में आता है। तो इस चीज़ को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस में कुछ स्पेशलिटी है, क्या स्पेशलिटी है, हमने देखा कि पी वी रेस टू गामा होता है और उससे उसका बिहेवियर पी वी ग्राफ में कुछ इस तरीके से होता है। अच्छा, वर्क डन की बात करें, ठीक है, एडियाबेटिक अगर मैं कहता हूँ यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी गए, तो यहाँ पे एक्सपेंशन है, कंप्रेशन है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्या सिचुएशन है, एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन कैसे है, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर डिक्रीज भी हो रहा है, ठीक है। अब इस प्रोसेस में ये भी एक्सपेंशन है, ये भी एक्सपेंशन है, ठीक है, तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि अच्छा वर्क डन दोनों केस में किस में ज़्यादा होगा, एसी वाले केस में ज़्यादा होगा कि एबी वाले केस में ज़्यादा होगा, एसी वाले केस में ज़्यादा होगा। एसी वाला केस कौन सा केस है, आइसोथर्मल, ठीक है, तो आइसोथर्मल का वर्क डन हमको याद है, आइसोथर्मल का वर्क डन बताएंगे, तो आइसोथर्मल का जो वर्क डन होता है वो होता है, हाँ फ्री एक्सपेंशन, प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहता, हाँ फ्री एक्सपेंशन किसको आप बोल रहे हैं एक बार, मतलब क्योंकि टर्मिनोलॉजी में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, फ्री एक्सपेंशन किसको बोल रहे हैं, वैक्यूम में एक्सपेंड हो रहा है, जो वैक्यूम में एक्सपेंशन होता है उसको फ्री एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है। तो एसेंशियली यहाँ पे कंटेनर था, इधर गैस भरी हुई है, इधर वैक्यूम है, कुछ नहीं है, ठीक है, इधर गैस भरा हुआ है और बीच में एक हार्ड वॉल लगा रखा था, इस वॉल को अचानक से हटाया तो पूरा गैस इधर जाएगा, ठीक है, इस प्रोसेस को फ्री एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस में बाहर से कोई एनर्जी नहीं आई, ऐसा मतलब मान के चल रहे हैं कि बाहर से इंसुलेटेड है फुली, ठीक है, तो बाहर से कोई एनर्जी नहीं आती, तुरंत एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम डबल होता है, वॉल्यूम डबल होगा और बाहर से कोई एनर्जी नहीं आई तो एडियाबेटिक प्रोसेस ही बन जाता है, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस बन रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा और वो होता है,
प्रेशर का चेंज होता है, इसको फ्री एक्सपांशन जब बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से आप वो पिस्टन वाले एग्जांपल की बात कर रहे हैं क्या, जिसमें क्या होता है, जिसमें ये पिस्टन है, ये पिस्टन फ्री टू मूव है, ठीक है, यहाँ पे गैस भरी हुई है और आप उसको हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड होता है, ऐसा कुछ वो उस केस की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे एसेंशियली क्या होता है, यहाँ पे पिस्टन फ्री टू मूव है, बाहर क्या है, बाहर कुछ नहीं है क्या, बाहर भी प्रेशर है ड्यू टू एटमॉस्फेयर वगैरह जो भी, तो बाहर भी प्रेशर है पी नॉट, यानी कि बाहर भी उस प्रेशर के कारण इस पिस्टन पे फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। अब जब हम हीट करते हैं तो अंदर का प्रेशर बढ़ता है, उससे पिस्टन को पुश करता है, ठीक है, इनफाइनाइटली पुश नहीं कर पाता, जहाँ तक पुश कर पाता है उसमें उसका टेम्परेचर इक्वलाइज हो वहाँ तक पुश कर पाता है। तो ये थोड़ा इसमें प्रेशर बढ़ गया, थोड़ा सा मान लो प्रेशर हो गया पी वन, तो फिर इसका प्रेशर ज़्यादा हो गया, ये पिस्टन को एक्सपेंड करके यहाँ ले आया, ठीक है, और एक्सपेंशन के प्रोसेस में प्रेशर घट के वापस पी नॉट हो जाता है, ठीक है। तो इसको एसेंशियली आइसोबारिक प्रोसेस बोलेंगे, इसको फ्री एक्सपेंशन अलग चीज़ होती है, फ्री एक्सपेंशन इसको बोलते हैं, इसको आइसोबारिक प्रोसेस बोलते हैं। हाँ, तो आपका कन्फ्यूजन क्या था, कॉन्स्टेंट प्रेशर, हाँ मतलब टर्मिनोलॉजी वाइज इसको फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं, इसको कॉन्स्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन बोलते हैं, वैक्यूम वाले केस को ही फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं, इसको फ्री एक्सपेंशन नहीं बोलते, ठीक ठीक है। सो वर्क डन की बात कर रहे हैं, इस ग्राफ से देख के लग रहा है कि जो वर्क डन है वो एडियाबेटिक प्रोसेस में कंपेयर टू आइसोथर्मल प्रोसेस कम होना चाहिए। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कितना था, तो एन आर टी एल एन वी फाइनल बाय वी इनिशियल ऐसा था, ठीक है। आइसोथर्मल एक्सपांशन नहीं है, ये कंप्रेशन है, कंप्रेशन है तो वी इनिशियल जो ज़्यादा होगा वी फाइनल कम होगा, ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। नेगेटिव की बात हमको नहीं देखनी, हमको मैग्नीट्यूड देखना है, ठीक है। अब एडियाबेटिक प्रोसेस में जो वर्क डन है वो कैसा होगा पता लगाना है, हमको नहीं पता, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि भाई वर्क डन पता लगाना है, चलो पता लगाते हैं। अब हमारे पास टूल है पी वी रेस टू गामा इज कॉन्स्टेंट, तो उसका यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। एसेंशियली हम कह रहे हैं पी वी रेस टू गामा कॉन्स्टेंट है, यानी कि अगर शुरू में प्रेशर पी इनिशियल वी इनिशियल वॉल्यूम रहा होगा तो ये रिलेशन फॉलो होना है, ठीक है। आप वर्क डन के लिए हमारे पास क्या रिलेशन है, वर्क डन के लिए हमारे पास रिलेशन है कि सिंपली स्टार्ट वहीं से करना है, इंटीग्रल पी डी वी, ठीक है। अब डी वी पी और डी वी, तो पी को हम वी के टर्म्स में लिख देंगे तो उससे वर्क डन निकल जाता है, ऐसा कुछ हमको पता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि पी वी रेस टू गामा कॉन्स्टेंट होता है, इस कॉन्स्टेंट को फिलहाल लैम्डा मान लेते हैं, ठीक है। सो और P हो जाएगा V रेस टू गामा लैम्डा बाय दिस होल थिंग, सो लैम्डा बाहर निकाल लिए बाय V रेस टू गामा, ठीक है। एक्सपेंशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, V इनिशियल V फाइनल, ठीक है। वन बाय V रेस टू गामा, इसका इंटीग्रेशन कैसा होगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, इसको बोल सकते हैं आप इंटीग्रल वी रेस टू माइनस गामा डी वी वी इनिशियल टू वी फाइनल, ठीक है। और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा टाइम्स वी रेस टू वन माइनस गामा अपॉन वन माइनस गामा, ठीक है, कुछ इस तरीके से सिचुएशन आ जाएगा। अच्छा, गामा ग्रेटर देन वन है कि स्मॉलर देन वन है, गामा ग्रेटर देन वन है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये एसेंशियली नेगेटिव है, ठीक है। तो एसेंशियली इसको वन गामा माइनस वन के टर्म्स में चलाएंगे, फिलहाल ऐसा रहने देते हैं। अब हमने क्या कहा है, हमने कहा लैम्डा इक्वल्स टू पी वी रेस टू गामा है, तो एसेंशियली ये दोनों ही चीज़ें लैम्डा के बराबर हैं, ठीक है। और अच्छा, एक्सपेंशन का अभी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लिमिट्स डालना बाकी है, लिमिट्स जाएगा वी इनिशियल वी फाइनल, ठीक है। तो इसको रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू वन माइनस गामा, फिलहाल बाहर रखते हैं,
V final raised to 1 minus gamma minus V initial raised to 1 minus gamma, ठीक है, और लैम्डा को भी अंदर ले आते हैं, अब लैम्डा क्या चीज था, लैम्डा था एसेंशियली आपने कहा था पीवी रेस टू गामा इक्वल्स टू लैम्डा, यानी कि लैम्डा इंटू वी रेस टू माइनस गामा इक्वल्स टू पी, ऐसा कुछ था, ठीक है, यहाँ पे एक और वी लगा देते हैं तो हो जाएगा पीवी इक्वल्स टू लैम्डा वी रेस टू वन माइनस गामा, ठीक है, अब एसेंशियली ये जो चीज़ है ये पूरे प्रोसेस में वैलिड है, पी वी रेस टू गामा पूरे प्रोसेस में वैलिड था, तो हम एसेंशियली कह सकते हैं पी इनिशियल वी इनिशियल इक्वल्स टू लैम्डा वी इनिशियल रेस टू वन माइनस गामा, ये भी वैलिड है, और पी फाइनल वी फाइनल इक्वल्स टू लैम्डा वी फाइनल रेस टू वन माइनस गामा, ये भी वैलिड है, ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पर दिख रही है, ये जो चीज़ है ये यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, एसेंशियली आप कह सकते हैं ठीक लिखा है मैंने कि गलत तो नहीं लिखा है, कुछ ठीक लिखा है, सारा कुछ ठीक चल रहा है, ओके, सो इससे हमारे पास जो वर्क डन की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी तो V फाइनल वाला जो सिस्टम था वो हो जाएगा P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल अपॉन 1 माइनस गामा है, ठीक है, तो आप जैसे याद रखना चाहे चाहे इसको गामा माइनस 1 कर लीजिए, यहाँ पे एक माइनस लगा लीजिए, ये वर्क डन हो जाएगा, मेरे हिसाब से एक कंफर्टेबल फॉर्मूला है, फॉर्म है पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल टाइप की चीज़ आप करते हैं, ठीक है, तो ये कंफर्टेबल फॉर्म है अपॉन गामा माइनस 1 माइनस में, ठीक है, कोई माइनस की प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, एक बार देख लेंगे वर्क डन इक्वल्स टू पी डी वी इंटीग्रल में, ठीक है, सो सारा कुछ इंटीग्रेट किया, ठीक है, वी रेस टू गामा पी वी रेस टू गामा इज कांस्टेंट, तो उस कांस्टेंट को रखा लैम्डा लैम्डा वी रेस टू माइनस गामा वन माइनस गामा अपॉन वन माइनस गामा, ठीक है, और फिर वी फाइनल माइनस वी इनिशियल और फिर लैम्डा वी फाइनल जो था हमारा वो सिंपली वी रेस टू माइनस गामा वन माइनस गामा, हाँ ठीक है, ओके, सो इस फॉर्म में आपके पास आ गया वर्क डन, ठीक है, तो वर्क डन एडियाबेटिक जो है इस तरीके से आपके पास आ गया, ठीक है, अब ये दोनों को कंपेयर अगर करना है तो कैसे कंपेयर करेंगे, तो हम लोग सेम वॉल्यूम पे पहुंच रहे हैं, ठीक है, सेम वॉल्यूम पे पहुंच रहे हैं, प्रेशर फाइनल प्रेशर डिफरेंट है इनिशियल प्रेशर से, ठीक है, तो सेम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वाला पार्ट कॉमन निकल जाएगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन गामा माइनस वन, अब इसको एग्जैक्टली कंपेयर तो हम लोग नहीं कर पाएंगे बट मतलब समहाउ आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन कि ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है, मैग्नीट्यूड वाइज आइसोथर्मल वाला प्रोसेस जो है ये बड़ा है मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है, तो ये दोनों वर्क डन आ गए, अब हमारे पास चारों प्रोसेस के लिए सारे फॉर्मुलेशन है, वर्क डन है, ठीक है, फर्स्ट लॉ में कैसे फिट करना है वगैरह वगैरह पता है, अच्छा फर्स्ट लॉ जो है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अच्छा इसको हटा देते हैं हम लोग, एडियाबेटिक का काम हो गया, वर्क डन का काम हो गया, ठीक है, तो फर्स्ट लॉ कहता है
डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। कैसे आया, कैसे पता कि ऐसा होता है, तो हमने कहा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, ठीक है। जितना हीट दोगे उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, या तो हो सकता है वो हीट से कुछ एक्सपेंशन वगैरह हो जाए, कुछ हम काम निकाल लें, ठीक है। तो इधर से एनर्जी थी, इधर से एनर्जी निकाल ली बाय सम वर्क डन, ठीक है। गाड़ी चला लिया, गाड़ी चलाने के लिए एक्सपेंशन वगैरह होता है जो भी है, तो उससे गाड़ी चलने लग गई, तो हम जो पेट्रोल चलाया था वो चीज़ यूटिलाइज हो गई चलने में, ठीक है। बट ये भी होता है कि जो इंजन वगैरह है उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ये स्टेटमेंट आता है, ठीक है। बट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो आप गर्म पानी जो है बाहर खुले में रख दो तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद ठंडा होने लगता है, उसका टेम्परेचर कम होने लगता है, ठीक है। ऐसा कभी होता है कि आप नॉर्मल पानी रख दो और वो गर्म हो जाए अपने आप, ऐसा नहीं होता, होता है क्या? गर्मी में तो ठंडा पानी रखोगे ना रिलेटिवली बाहर से, तब ऐसा होगा। मतलब ऐसा तो नहीं है कि गर्मी में आपने पानी रखा और वो अपने आप जम गया, बर्फ़ बन गया, नहीं होता ना, ठीक है। तो जो भी प्रोसेस होते हैं उनमें एनर्जी कंजर्व, तो दोनों केस में ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो गर्म पानी था उससे एनर्जी बाहर निकल गई, हवा में चली गई, तब भी एनर्जी जो जितनी गई है। ऐसा भी हो सकता है कि हवा जो है उससे एनर्जी आ गई, पानी गर्म हो गया अपने आप, ठीक है, उस केस में भी एनर्जी कंजर्व रह सकती है, पर वैसा होता नहीं है, ठीक है। इसका मतलब जो प्रोसेसेस है वो किसी ना किसी डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। और किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो उसके लिए कहा, तो डायरेक्शन में मूव करते हैं और उस प्रोसेस में एक क्वांटिटी डिफाइन की गई एंट्रोपी, ठीक है, एस से डिनोट करते हैं उसको। और कहा गया कोई भी प्रोसेस है उसमें एंट्रोपी जो है वो डी क्यू बाई टी इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। सो एंट्रोपी जो है किसी भी प्रोसेस में वो सिस्टम की केवल इंक्रीज होगी, ठीक है, इंक्रीज होगी इन द सेंस ओवरऑल एंट्रोपी इंक्रीज होगी। जैसे आपने कहा कि ठीक है यहां पे है, यहां पे क्या चीज है, यहां पे आपके पास बर्फ रखा हुआ है, अच्छा चलो खाली जगह में रखते हैं ना, ठीक है, क्लोज्ड डिब्बा है, ठीक है, उसमें पानी भरा हुआ है, नॉट सो ठंडा, और उसमें यहाँ पे बर्फ रखा हुआ है, उसको भी नहीं वॉल्यूम कांस्टेंट रखे, नहीं चलो रहने देते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं, तो फिर अलग करते हैं, ठीक, दो हिस्से कर दिए, ये हिस्सा कंडक्टिंग है, ठीक है, नीचे गर्म पानी है, ऊपर ठंडा पानी है, ठीक है। गर्म पानी ठंडा होगा, ठंडा पानी गर्म होगा, तब तक ऐसा होगा जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता, ये कोशिश होगी, ठीक है। तो वैसा करने की कोशिश करते हैं, और एंट्रोपी डिफाइन किया गया। अब अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब मैं आपको बताता हूँ, तो हर प्रोसेस में जो होता है एंट्रोपी, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, इक्वल्स टू होता है डी क्यू बाई टी, ठीक है। ये डी क्यू क्या चीज़ है, हीट गिवन होता है, ठीक है, बेटर डेफिनेशन ही होता है, चेंज इन हीट तो है ही है, बट हीट गिवन को डी क्यू कहते हैं। अब अगर हीट आपने एक्सट्रैक्ट किया है तो डी क्यू नेगेटिव हो जाता है, हीट टेकन हो गया, ठीक है। सो एंट्रोपी को जब इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, चलो पहले कैलकुलेशन लगाते हैं। एंट्रोपी इस तरीके से डिफाइंड है, डी एस इक्वल्स टू, सॉरी, चेंज इन एंट्रोपी इक्वल्स टू, इस तरीके से डिफाइंड है। तो अज्यूम करते हैं कि सारा कुछ सेम था, ऊपर नीचे वॉल्यूम वगैरह सब सेम था, खाली इसका टेम्परेचर था टी नॉट प्लस टी और इसका टेम्परेचर था टी नॉट माइनस टी, दोनों साइड सेम मटेरियल था, ठीक है, अच्छा बाहर लिख देता हूँ, टी नॉट प्लस टी था और इसका था टी नॉट माइनस टी, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको समझ में आता है ये जो है ये ठंडा होगा, ये गर्म होगा, ठीक है। गर्म होके क्या सिचुएशन बनेगी, तो आपको समझ में आता है कि दोनों का टेम्परेचर टी नॉट हो जाएगा, ठीक है।
अब आपको एक फॉर्मूला पता है, इसमें जो हीट लॉस होगा वो कैसा होगा, अच्छा इसमें जो हीट गेन होगा, आप कहोगे इसमें जो टेम्परेचर चेंज आने वाला है वो, तो डेल्टा क्यू, इसको वन कह देते हैं, डेल्टा क्यू वन, एम एस डेल्टा टी, यानी कि टेम्परेचर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो टी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे जो हीट एक्सचेंज हुआ है वो हो जाएगा माइनस एम एस टी, इस तरीके से होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डी क्यू बाई टी, तो एसेंशियली आप कह रहे हैं अगर इस फॉर्मूले को हम एंट्रोपी के चेंज की बात अगर माने, ठीक है, तो टेम्परेचर की बात करेंगे, टेम्परेचर हर इंस्टेंट पे अलग है बट पॉजिटिव की क्वांटिटी है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की जब भी बात करते हैं, अच्छा हम लोग टेम्परेचर की बात जब भी कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग केल्विन स्केल में चल रहे हैं, बाय डिफॉल्ट सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट इस टाइप की बात नहीं कर रहे हैं। केल्विन स्केल के बारे में आपको पता है जीरो से स्टार्ट होता है, एटलीस्ट अभी तक तो जीरो से स्टार्ट होता है आज तक के नॉलेज के हिसाब से, और फिर अभी रूम टेम्परेचर की बात करेंगे तो वो 300 के आसपास होता है, और 273 केल्विन जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ बनने वाला टेम्परेचर होता है, इस तरह की बातें आपको पता है। ठीक है, सो हमने कहा कि दो सिचुएशन थे, एक इधर था गर्म पानी, ठंडा पानी, ठंडा पानी थोड़ा कम टेम्परेचर था T0 से थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर, बाद में सिचुएशन ऐसी होगी, ठीक है, और फिर उसके हिसाब से इसमें जो हीट होगा वो गेन होगा, कौन से केस में, ऊपर वाले कंटेनर में हीट गेन होगा, यहाँ पे हीट लॉस होगा। तो अगर इस डेफिनेशन से चले तो दोनों का एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, तो आप कहोगे ये तो पॉजिटिव चीज़ है, ये जो है एक केस में पॉजिटिव है एक केस में नेगेटिव है, तो इस सेक्शन की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, इस सेक्शन की एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इस सेक्शन की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, उस सेक्शन की एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, ओवरऑल एंट्रोपी क्या हुआ पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ऐसे नहीं बोल सकते, तो अब हम लोग को हिसाब लगाना पड़ेगा। अच्छा, आप लोगों ने कहीं ऐसा स्टेटमेंट सुना है कि एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेज, इस टाइप का एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेज, इस टाइप का कोई स्टेटमेंट सुना है? ओके, सो ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं हम लोग फिलहाल। तो फिलहाल हमको एंट्रोपी चेंज पता लगाना है इस सिचुएशन में। ये जो स्टेटमेंट है, अच्छा मैं पहले तो सेकेंड लॉ का आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ, स्टेटमेंट मैं याद रखता नहीं हूँ ज़्यादा तो वो मैं आपको पढ़ के ही बताने वाला हूँ। ठीक है, सो केल्विन का स्टेटमेंट है, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन अनएडेड बाय एक्सटर्नल एजेंसी टू कन्वे हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर। ठीक है, तो एसेंशियली इस तरीके से केल्विन का स्टेटमेंट है, और क्लॉसियस का स्टेटमेंट है सेकेंड लॉ का ही, कि हीट कैन नेवर पास फ्रॉम अ कोल्डर टू अ वार्मर बॉडी विदाउट सम अदर चेंज कनेक्टिंग हियर विद। अच्छा अच्छा, तो ये रेफ्रिजरेशन वाली टाइप की बात है, उससे पहले हम लोग बाकी चीज़ें बात कर लेते हैं। ठीक है, सो आप लोगों ने ये भी देखा होगा, ये भी देखा होगा, ये चीज़ कहाँ पे वैलिड है, जब जैसे हम लोगों ने ये एग्जांपल ले रखा है, यहाँ पे जितने मॉलिक्यूल्स थे मटेरियल जैसा था वैसा ही रहेगा, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, सारा कुछ एक जैसा है, तो जब तक कॉम्पोजिशन चेंजेस नहीं होते तब तक ये चीज़ वैलिड है, अदरवाइज अगर कॉम्पोजिशन चेंजेस होने लगते हैं तो ये चीज़ वैलिड हो जाती है, तब आप एग्जैक्टली डी क्यू बाई टी आप डिफाइन नहीं कर सकते एंट्रोपी चेंज को। ठीक है, क्योंकि वो अलग चीज़ों पे भी डिपेंड कर सकता है। ठीक है, हाँ, तो ये जो हमने केस लिया है, इस केस में हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग जिससे डील करेंगे, हम लोग सिर्फ इस केस से डील करेंगे, इस केस से हम लोग डील नहीं करने वाले। ठीक है, ओके, सो एंट्रोपी चेंज हमको पता लगाना है, हमने बोला फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है डी क्यू बाई टी, और डी क्यू यहाँ पे एम एस डी टी बाई टी, इस तरीके से हो जाएगा चेंज इन एंट्रोपी। तो पहले केस के लिए
फर्स्ट केस के लिए हम लोग कहेंगे फर्स्ट केस में एंट्रोपी तो डेल्टा एस वन, दोनों साइड इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट करके कह दिया एंट्रोपी चेंज इतना इक्वल्स टू एम एस, ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल डी टी बाई टी, ठीक है, कहाँ से टी इनिशियल से टी फाइनल, तो ये आ जाएगा आपका एम एस एल एन टी फाइनल बाय टी इनिशियल, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है। तो जो अच्छा ये डेल्टा एस जनरल फॉर्मूला हो गया, फर्स्ट केस में जो एंट्रोपी चेंज है वो हो जाएगा टी फाइनल, फर्स्ट केस में कितना है, फर्स्ट केस मतलब ऊपर वाले केस में, तो अच्छा शुरू में क्या था, शुरू में था टी नॉट माइनस टी और ये था टी नॉट प्लस टी, ठीक है, तो फर्स्ट वाले केस में फाइनल टी टी नॉट है और इनिशियल टी क्या चीज़ है, टी नॉट माइनस टी, ठीक है, सेकेंड केस में एम एस एल एन टी नॉट बाय टी नॉट प्लस टी, ठीक है, तो अगर दोनों के एंट्रोपी चेंजेस को, अच्छा यहाँ पे कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, एंट्रोपी चेंज नीचे वाला नेगेटिव है, कैसे नेगेटिव है नीचे वाला, टी नॉट अपॉन समथिंग ग्रेटर देन टी नॉट एल एन ऑफ सम क्वांटिटी स्मॉलर देन वन नेगेटिव होता है, ठीक है, तो ये नेगेटिव क्वांटिटी ये पॉजिटिव क्वांटिटी दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो जो ओवरऑल डेल्टा एस मिलेगा ये क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा एम एस एल एन टी नॉट स्क्वायर अपॉन टी नॉट प्लस टी इंटू टी नॉट माइनस टी, यानी कि टी नॉट स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है बता सकते हैं, पॉजिटिव होगा क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो स्मॉलर है कंपेयर टू न्यूमरेटर, ठीक है, तो एसेंशियली कोई भी प्रोसेस है और ये चीज़ जनरलाइज करेंगे तो यूनिवर्स में कोई भी प्रोसेस है वो यूनिवर्स की ओवरऑल एंट्रोपी को इंक्रीज ही करने वाला है, कोई भी प्रोसेस होगा, जैसे ये बात की हमने सिस्टम यहाँ से यहाँ जाता है अपने आप, ठीक है, उल्टे डायरेक्शन में कभी अपने आप नहीं जाता, तो जिस डायरेक्शन में सिस्टम्स जा रहे हैं उस डायरेक्शन में एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होने वाली है, कैसे इंक्रीज होगी वो सिचुएशंस पर डिपेंड करता है, इस सिचुएशन में ये इंक्रीज है किसी और सिचुएशन में कुछ और होगा, बट डेल्टा एस हमेशा पूरे सिस्टम के लिए पॉजिटिव होगा, ठीक है, नोट कर सकते हैं इसको चाहे तो, ये ऐसे एग्जाम्पल है, क्रूड एग्जाम्पल है एक, ठीक है, ओके, सो एंट्रोपी चेंज जो है आपको कहा जा रहा है कि हमेशा पॉजिटिव होगा किसी ऐसे प्रोसेस में जो अपने आप हो रहा है, ठीक है, यानी कि यूनिवर्स की जब बात करेंगे एज अ होल तो एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होने वाला है, बट
अगर कोई आपसे ये कह दे कि एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एसेंशियली गलत होगा। आप कहोगे कि इसका एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है बट इसका एंट्रोपी रिड्यूस हो रहा है इस हिस्से का, ठीक है। तो पार्ट वाइज आप देखोगे तो हो सकता है कि किसी पार्ट का एंट्रोपी डिक्रीज हो जाए, बट एज अ होल देखोगे, जब भी देखोगे कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उसमें हमेशा एंट्रोपी जो है ओवरऑल इंक्रीज ही होगा, ठीक है। सो केल्विन और क्लॉसियस का स्टेटमेंट है, केल्विन का स्टेटमेंट क्या कहता है, केल्विन सेकेंड लॉ के स्टेटमेंट में, कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन अनएडेड बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी टू कन्वे हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर एट हाई टेम्परेचर। लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग सर्च करेंगे उसको, आपको स्टेटमेंट को ऐसे पढ़ना ही पड़ेगा एग्जाम पर्पज के लिए, ठीक है। सो उसको आप लोग खुद कर लेंगे। मेन बात यह है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक गर्म बॉडी है अपने एक ठंडी बॉडी है वो एक गर्म बॉडी को हीट नहीं दे सकता, अपने आप नहीं दे सकता, ठीक है। जैसा हम यहाँ पे कह रहे हैं, हमको पता है विथ टाइम क्या होगा, ये ठंडा है ये गर्म है, तो विथ टाइम टी नॉट माइनस टू टी और टी नॉट प्लस टू टी, ये सिचुएशन कभी नहीं होने वाला, ठीक है। हमेशा इसकी टेम्परेचर जो है इंक्रीज होगी, इसका रिड्यूस होगा, इसी डायरेक्शन में सिस्टम चलने वाला है। तो डायरेक्शन को डिफाइन करता है सेकेंड लॉ, ठीक है, और उसके बारे में ये सारी बातें की हैं, ठीक है। ये सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है एंट्रोपी चेंज जो है। अच्छा, एंट्रोपी है क्या चीज़ यहाँ पे जो डिफाइन किया हमने, तो कहा जाता है एंट्रोपी इज़ अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर, ठीक है, रैंडमनेस का मेजर है। तो उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, क्या कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, जैसे मैं आपसे पूछूं ये ग्लास है इसमें खूब सारे क्यूबिकल बर्फ रखे हुए हैं, ठीक है, ठीक है। अब बर्फ रखे होते तो आपको समझ में आता है सॉलिड है तो बीच में बहुत सारे एयर स्पेसेस होंगे, ठीक है, ऐसा रखा हुआ है। और यही बर्फ, जितना बर्फ है उतना ही वॉल्यूम का पानी यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें से सिस्टम, इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, तो ए और बी में से कौन सा ज्यादा डिसऑर्डर्ड है, कौन सा ज्यादा ऑर्डर्ड है, तो इसको देख के आप बोलेंगे कि भाई बी जो है ये बहुत ऑर्डर्ड सिस्टम है, उसको हम कह सकते हैं कि एक जैसा है, समझ में आ जाएगा, सरफेस जो है प्लेन है वगैरह वगैरह। यहाँ पे वो चीज़ ऑर्डर में नहीं दिखती, हैफ हजार्ड फॉर्म में ये सारा कुछ रखा हुआ है, तो इसको आप डिसऑर्डर्ड कहते हैं, ठीक है, और इसको आप ऑर्डर्ड कहते हैं अगर, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, ठीक है। और अगर एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर, यानी कि जब एंट्रोपी इंक्रीज होती है तो डिसऑर्डर इंक्रीज होता है, ऐसा कहा जा रहा है अगर, ठीक है, तो डिसऑर्डर इंक्रीज होता है अगर, तो सिचुएशन यहां से यहां जानी चाहिए। आपने पानी रख दिया बाहर, वो अपने आप बर्फ बन गया, ऐसा होता है क्या, उल्टा प्रोसेस होता है, ठीक है। सो एसेंशियली ये जो हमने समझा है ऑर्डर्ड और डिसऑर्डर्ड का मतलब, वो ऐसा नहीं होता। डिसऑर्डर्ड का मतलब क्या है, डिसऑर्डर्ड का मतलब जैसे आप चार्जेस वगैरह के बारे में हल्का फुल्का जानते हैं आप लोग, एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर अनचार्ज्ड है, आप उसमें थोड़ा सा चार्ज लेकर आके उसके सरफेस पे ऐसे रख देते हैं तो क्या होता है, चार्ज के साथ वही रहता है, क्या होता है, वो सरफेस में जितना दूर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है उतना दूर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, एक दूसरे को रिपेल करता है वगैरह, ये सब बातें आपको पता है, ठीक है, इंट्रैक्शन कुछ तरह का होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो डिसऑर्डर्ड, अब डिसऑर्डर और ऑर्डर किसको कह रहे हैं, ठीक है, तो डिसऑर्डर मतलब कितना ज़्यादा आप हैफ हजार्ड हो गए हैं, तो एसेंशियली क्या हुआ है, जो बहुत सीमित जगह में था चार्ज वो बहुत ज़्यादा फैल गया है, बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर हो गया। यहाँ पे भी वैसे ही हुआ है, ठीक, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स वगैरह थे वो जितना फैल सकते थे फैल गए हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, और वो इस फॉर्म में आ गई। तो आपको समझ में आता है चीज़ें इस डायरेक्शन में जाती है जिस डायरेक्शन में
यहाँ पे डिसऑर्डर ज़्यादा है ऐसा कह रहे हैं, तो ये ऑर्डर्ड नहीं है और ये डिसऑर्डर नहीं है, ये रिलेटिवली ज़्यादा डिसऑर्डर में है, मतलब ये जितना ज़्यादा फैल सकते हैं उतना ज़्यादा फैल चुके हैं, ठीक है। अब फोर्स अगर आप इन्फ्लुएंस का चेंज कर देंगे, यहाँ पे ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जैसा फैल सकते थे वैसा फैल गए हैं, ठीक है। आप अगर ये वॉल हटा देते तो क्या होता, तो पानी फैल के वो और फ्लैट होने की कोशिश करता, वो और ज़्यादा डिसऑर्डर्ड स्टेट कहलाता, ठीक है। तो जो फैलना चाहते हैं एग्जैक्टली हमेशा फैलने वाला बात वैलिड नहीं होता, ठीक है। तो उस सिनेरियो को डिसऑर्डर कहा जाता है, ठीक है। अब आपको अपने इंग्लिश भाषा में वो चीज़ बहुत यूनिफॉर्म दिखाई देगा, बहुत ऑर्डर्ड भी दिखाई दे सकता है, जैसा इस केस में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इंग्लिश का डिसऑर्डर और फिजिक्स का डिसऑर्डर अलग है, और यहाँ पे फिजिक्स वाला डिसऑर्डर बढ़ता है, इंग्लिश वाला डिसऑर्डर में भी ना बढ़े, ठीक है। अच्छा, तो एंट्रोपी डिसऑर्डर का मेजर है एसेंशियली। डिसऑर्डर भी डिफाइन एग्जैक्टली इंग्लिश से मैच तो नहीं कर रहा, थोड़ा अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा डिसऑर्डर को, ठीक है। तो एसेंशियली जब आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स फिजिक्स में पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि एक चीज़ होती है माइक्रोस्टेट्स। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि तो आपको मतलब फाइव स्पेसेस दे दिए गए और उसमें तीन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, ठीक है। तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है, तो आप लोगों को कुछ वो एनसीआर वगैरह वाली बात करते हैं, एनपीआर परम्यूटेशन वाला केस है ये, ठीक है। तो कितना, 5P3, इस तरीके से ये चीज़ जो है इतने ऑर्डर्स में इतने अलग अलग फॉर्म्स में इस चीज़ को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अगर यही चीज़, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज़ है ए बी सी को इन पांच जगहों में रहना है और इनकी पॉसिबिलिटीज़ है जो लिमिटेड है, पर इतनी है, बहुत ज़्यादा है पर लिमिटेड है, ठीक है। सो ये जो पॉसिबिलिटीज़ है, जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बनती है, इसको सिस्टम के नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कहा जाता है। इसका एग्जांपल देके मैं समझाऊंगा, ठीक है। सो हाइड्रोजन एटम आप लोगों ने पढ़ रखा है, हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, और बाहर शेल्स होते हैं, इस टाइप की चीज़ आपने पढ़ रखी है, ठीक है। हाइड्रोजन की जगह हम लोग हीलियम बना देते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास, ठीक है। अब वो दो इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स, चलो तीसरे की बात बना देते हैं, लिथियम। लिथियम में फर्स्ट ऑर्बिटल में तो दो ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है। सेकेंड ऑर्बिटल में, सेकेंड ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अब सेकेंड ऑर्बिट में आपको पता है क्या क्या होता है, तो सेकेंड ऑर्बिट में एस और पी दोनों हो सकता है, ठीक है, और पी में पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये तीनों टाइप के खाने होते हैं, ठीक है। एसेंशियली जो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन है वो इन चारों जगहों में रह सकता है, इसके पास चार अलग अलग पॉसिबल कॉम्बिनेशन है रहने के लिए, ठीक है। ये लोग तो फंस गए हैं जिस फॉर्म में है उसमें उसी में है, इसके पास चार ऑप्शन है, जितने ज़्यादा ऑप्शन है उतना ज़्यादा डिसऑर्डर है। आप चेक करोगे एक हीलियम एटम उसमें आपको एस में मिलेगा, ठीक है, थोड़ा सा उसको डिस्टर्ब किया, थोड़ी देर बाद आपको पी एक्स में मिल गया, थोड़ी देर बाद पी वाई में मिल गया, तो वो जो सिचुएशन है वो एक डिसऑर्डर्ड सिचुएशन है, ज़्यादा डिसऑर्डर्ड सिचुएशन। अब उसके पास लिमिटेड स्कोप ही है, जब तक उसको आप ज़्यादा एनर्जी नहीं देंगे तब तक वो यहाँ से तीसरे में जंप नहीं करेगा और उसके पास चार ही सिचुएशन रहेगा, ठीक है, चार ही ऑप्शन रहेंगे। बट अगर इसको एनर्जीज आप देते हैं तो ये ज़्यादा डिसऑर्डर्ड सिचुएशन में जाने की कोशिश करता है, ठीक है। ये भी एग्जैक्ट सही एग्जाम्पल नहीं है, मैं आपको आप लोगों को मैं एग्जाम्पल नहीं दे रहा, बट एडवांस फिजिक्स में जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है जिस सिचुएशन में ये पूरा सिस्टम रह सकता है, ये एक सिचुएशन हो गया कि इलेक्ट्रॉन एस में बैठा हुआ है और बाकी सब तो फिक्स ही है, बाकी सब तो कहीं कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। अब दूसरा सिचुएशन हो गया वो पी एक्स में, तीसरा पी वाई, चौथा पी जेड, ठीक है, अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं सिस्टम के पास रहने की,
बिना एनर्जी चेंज किए, ठीक है, उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। और सिस्टम की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा माइक्रोस्टेट्स वाले सिस्टम में रहने की कोशिश करें, ठीक है। तो जैसे यहाँ की बात करेंगे, यहाँ पे इसकी एंट्रोपी इंक्रीज़ हो रही है, इसकी एंट्रोपी डिक्रीज़ हो रही है, बट जो ओवरऑल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स की बात करोगे आप, वो चीज़ हम लोग कैलकुलेट करते हैं आगे, तो वो फाइनल सिचुएशन में इस पूरे सिस्टम का माइक्रोस्टेट्स बहुत ज़्यादा रहेगा कंपेयर्ड टू इनिशियल सिचुएशन, ठीक है। हाँ, एंट्रोपी को काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल क्या मान सकते हैं? नहीं, डिसऑर्डर के प्रोपोर्शनल मान सकते हैं। अब डिसऑर्डर का काइनेटिक एनर्जी से सच कोई रिलेशन है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, ठीक है। अच्छा चलो मान लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी अगर मैंने इंक्रीज़ की, ठीक है, तो यानी कि आप कह रहे हो कि ये डिब्बा है, इसमें कुछ गैस है, ठीक है, और इसकी काइनेटिक एनर्जी मैंने इंक्रीज़ की, यानी कि एसेंशियली मैंने कहा इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो क्या इसकी एंट्रोपी इंक्रीज़ होगी? एनालाइज कर लेते हैं। आपने इसको हीट दिया कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है, तो एसेंशियली डी टी बाई टी वाला जो हमारे पास रिलेशन था, टी फाइनल बाई टी इनिशियल, ये वाला पार्ट जो है ये यहाँ पे एन सी वी आ जाएगा एम एस के जगह, तो वो कॉन्स्टेंट है, टी फाइनल ज़्यादा है कम्पेयर टू टी इनिशियल, तो एंट्रोपी इस केस में इंक्रीज होगा, ठीक है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऐसा कहना सही नहीं होगा। एंट्रोपी का मेन यूज़ तब होता है जैसे आप एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कैसे करोगे, जैसे आप बोल रहे हो कि इसके अंदर कुछ गैस भरा हुआ है, इसको काइनेटिक एनर्जी मेरे को इंक्रीज करना है, कैसे इंक्रीज करेंगे? टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? तो बाहर से किसी सोर्स से आपको हीट देना पड़ेगा, ठीक है, हीट दोगे तो इसका एंट्रोपी बढ़ गया, ठीक है, बट इस प्रोसेस में यहाँ जो भी चीज़ है जिससे आप हीट दे रहे हो, जैसे यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे इसको हीट मिल रहा है, इसको हीट मिल रहा है इससे, वैसा ही कुछ प्रोसेस हमने बाय सॉलिड फ्यूल वगैरह वगैरह से करते हैं, इनडायरेक्टली काम यही हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो एंट्रोपी है वो रिड्यूस होगी ना, तो ये जो बाहर की चीज़ है उसकी एंट्रोपी रिड्यूस होने वाली है और इसकी एंट्रोपी इंक्रीज हो गई, ठीक है, इस प्रोसेस में। अल्टीमेटली अगर आप टोटल हिसाब लगाएंगे तो एंट्रोपी इंक्रीज ही होगा, तो हाँ, मतलब एसेंशियली आप कहना चाह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होगा? ठीक है, ऐसा अगर बात है आपका तो वो दिख रहा है कि वो इंक्रीज होगा, बट वो इंफॉर्मेशन यूजफुल नहीं है, ठीक है भाई, इसकी एंट्रोपी इंक्रीज हो गई तो क्या मैं क्या करूं उसका, ठीक है, मेन उसका इम्पोर्टेंस है डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर आपको कोई ऐसा सिचुएशन मिलता है कि ऐसा फलाना प्रोसेस हो रहा है जिसमें ओवरऑल एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, तो आप बोलोगे कि ये नहीं हो सकता, या फिर एसेंशियली आप कहोगे कोई ना कोई बाहर से फैक्टर जरूर आया होगा, अगर ऐसा हुआ भी है तो बाहर से इंटरफेरेंस होगा, अपने आप नहीं हो सकता, ये चीज़ स्पॉन्टेनियसली नहीं हो सकता, ठीक है। तो एसेंशियली आप कह रहे हो यहाँ पे तो चलो टेम्परेचर इंक्रीज़ की बात कर रहे हो, इसका एंट्रोपी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, आप कहते हैं कि इसका टेम्परेचर रिड्यूस कर सकते हो क्या? तो आप रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है, बाहर कुछ और ठंडा लगाओ तो टेम्परेचर रिड्यूस हो सकता है। एसेंशियली ये प्रोसेस तभी पॉसिबल है जब आप बाहर से किसी ना किसी तरह का इंटरवेंशन करते हो, अपने आप नहीं हो सकता। अच्छा नहीं, अपने आप नहीं हो सकता, एसेंशियली बाहर का इंटरवेंशन उस केस में आता है, जैसे आप कहोगे कि वैक्यूम की बात कर देते हैं, बाकी पूरी दुनिया को हटा देते हैं, एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर को आप हीट करते हो, अच्छा खासा गर्म कर देते हो और उसको स्पेस में छोड़ देते हो, ठीक है, तो क्या होगा, वो ठंडा होगा कि नहीं होगा? ठंडा होता है, वो रेडिएशन से ठंडा होता है, ठीक है, तो बाहर से क्या कोई उसको इफेक्ट कर रहा है? एसेंशियली बाहर जो टेम्परेचर है वो जीरो केल्विन टेम्परेचर है, तो किसी ना अच्छा इफेक्ट कर रहा है ऐसा बोलेंगे? हाँ, उस केस में डिसऑर्डर समझा जा सकता है। डिसऑर्डर कैसे समझेंगे? उस केस में एनर्जी के टर्म्स में समझा जा सकता है। एनर्जी जो थी यहाँ पे खूब सारी थी, ठीक है, बाहर कितनी एनर्जी थी? स्पेस में कोई एनर्जी नहीं थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो एनर्जी थी वो चाहेगी वो फैल जाए, इस टाइप का सिचुएशन होगा, तो वाया रेडिएशन वो एनर्जी निकलती जाएगी और भाग रही है, ठीक है, तो ज़्यादा डिसऑर्डर सिचुएशन में चीज़ें जाने की कोशिश करेगी। हमारा क्वेश्चन क्या था, मैं थोड़ा मिस कर गया। तो
काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो उसका एंट्रोपी बढ़ेगा लोकली, बिल्कुल सही बात है, ठीक है हाँ, और वो होगा बट इम्पॉर्टेंस उस चीज़ का है नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काइनेटिक एनर्जी की अंडरस्टैंडिंग हमारी ज़्यादा अच्छी है कंपेयर्ड टू एंट्रोपी, ठीक है। एंट्रोपी हमारे लिए इसलिए यूज़फुल है क्योंकि वो डायरेक्शन बता सकता है। तो आपको पता है अगर किसी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो अपने आप नहीं बढ़ सकती, रिड्यूस हो सकती है अपने आप, रिड्यूस भी हो सकती है अपने आप, वो इस सिचुएशन में देखा हमने कि रिड्यूस हो सकती है, ठीक है। बट बढ़ रही है तो उसको बाहर से कोई ना कोई इन्फ्लुएंस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। नहीं वो भी एग्जैक्ट स्टेटमेंट इस तरीके से मैं खैर कहना तो सही है बट मेन बात यह है कि एंट्रोपी जो है वो डायरेक्शन से रिलेटेड है और केल्विन वगैरह ने कह रखा है कुछ स्टेटमेंट्स, तो उन स्टेटमेंट्स को पढ़ लेंगे। अच्छा, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम अप्रोचेज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू एट इट्स टेम्परेचर एज इट्स टेम्परेचर अप्रोचेज एब्सोल्यूट ज़ीरो। टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो की बात करने की कोशिश की गई है थर्ड लॉ में। टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो इसका क्या मतलब है, क्या इम्प्लीकेशंस होंगे इसके? अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाओ कम करो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, गैस की बात करते हैं। अभी जो बात हो रही थी काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही थी, ठीक है। आपको क्या पता है काइनेटिक एनर्जी यानी कि आरएमएस स्पीड जो होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। टेम्परेचर अगर जीरो हो गया तो आरएमएस स्पीड क्या हो जाएगा टेम्परेचर जीरो करने पे? जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब आरएमएस स्पीड डिफाइन कैसे होता है, तो आप कहते हो आरएमएस स्पीड की जब आप बात करते हैं तो एसेंशियली उसका मतलब होता है रूट ऑफ जो जितने मॉलिक्यूल्स हैं गैस में, वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस डैश 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 अपॉन जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इस तरह की बात होती है। ये चीज़ हम लोगों ने बात की है ना इस बारे में, ठीक है ओके। सो आरएमएस स्पीड कुछ इस तरीके से है, अगर इसको ज़ीरो होना है, ठीक है, अब क्या ये नेगेटिव क्वान्टिटी हो सकती है? वी वन स्क्वायर वी टू स्क्वायर इनमें से कोई भी क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, और इसको अगर ज़ीरो होना है तो फिर ये सारे क्वांटिटीज़ को इंडिपेंडेंटली ज़ीरो होना पड़ेगा। यानी क्या सिचुएशन होगी उस केस में, गैस के मॉलिक्यूल्स की सबकी जो इंडिविजुअल स्पीड है वो सारी स्पीड्स ज़ीरो होनी पड़ेगी, मतलब जो जमा हुआ वाला सिचुएशन होता है वो एग्जैक्टली जमा हुआ सिचुएशन हमको मिलेगा, ठीक है। जमा हुआ इन द सेंस सब एक तरीके से रुके हुए हैं, मोशन नहीं है इसके हिसाब से, ऐसा है, ठीक है। अब हायर स्टडीज़ में जब आप देखेंगे, हायर स्टडीज़ में ऐसा नहीं होता, ठीक है। मतलब आप क्या कह रहे हैं, टेम्परेचर ज़ीरो, अच्छा टेम्परेचर ज़ीरो कैसे करोगे, गैस का टेम्परेचर कम कैसे करते हैं? कंप्रेस करने के लिए हीट उससे निकालना, मतलब मेनली उससे हीट निकालते जाओगे, ठीक है। हीट निकालते जाओगे कंप्रेस भी करोगे जो भी करोगे उससे, तो उसकी एनर्जी निकालते जाओगे, ठीक है। अब एनर्जी निकालने में आपने उसकी एनर्जी निकाली, अगर आप एनर्जी उससे नहीं निकाल पाओ तो उसका टेम्परेचर आप कम नहीं कर पाओगे या उसका मोशन ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एसेंशियली ऐसा होता है क्वांटम मैकेनिक्स, जब आप बहुत हायर स्टेज में पढ़ोगे फोर्थ सेमेस्टर वगैरह, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा। जैसे मान लिया हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस है, आप लोगों ने पढ़ रखा है, इसको आपने ऑसिलेट कर दिया, ठीक है, ये ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है। रूट के बारे में क्या हुआ भाई, कॉमेडी के पीछे कुछ हो रहा है, एनीवेज ठीक है। सो ये ऑसिलेट होता रहेगा, ठीक है। आप इससे एनर्जी निकालोगे तो क्या होगा, थोड़ी एनर्जी निकाल देते हो, इसका एम्पलीट्यूड जो है कम हो जाएगा, ठीक है। और एनर्जी निकालोगे एम्पलीट्यूड और कम हो जाएगा, ऐसा हम समझते हैं, ठीक है। अब ये बात हमारे हायर फिजिक्स में ऐसे रिजल्ट आते हैं कि इसकी एनर्जी आप एक हद तक ही निकाल सकते हो, एम्पलीट्यूड की बात एग्जैक्टली इस तरीके से डिफाइंड नहीं है, बट एक मिनिमम एनर्जी तो ये अपने पास बचा ही लेगा,
ठीक है, वो एनर्जी की वैल्यू होती है हाफ एच कट ओमेगा। अच्छा, प्लैंक्स कांस्टेंट पता है आप लोगों को क्या वैल्यू होती है उसकी? 10^-34 के ऑर्डर का होता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट उस ऑर्डर का जो एनर्जी है ये बचा लेता है ये सिस्टम। हाँ, कहाँ पे? प्लस 10^-34 होता है, माइनस होता है, ठीक है, प्लस नहीं होता। प्लैंक्स कांस्टेंट बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो 10^-34 के ऑर्डर का जो वैल्यू है उतनी एनर्जी ये बचा लेता है, उतनी एनर्जी आप निकाल ही नहीं सकते इससे। अब जो लोएस्ट पॉसिबल सिचुएशन है उस पॉसिबल सिचुएशन को कह दिया जाता है ज़ीरो टेम्परेचर, ठीक है। तो एसेंशियली जब आप ज़ीरो टेम्परेचर के स्टेट में भी चले आते हो तो सारा कुछ थम गया, पूरी दुनिया रुक गई, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बट एक जो लीस्ट डिसऑर्डर्ड सिचुएशन है वो सिचुएशन में आप पहुंच जाते हैं। तो एसेंशियली यहाँ पे कहा गया है एंट्रोपी जो है ज़ीरो टेम्परेचर पे वो कांस्टेंट हो जाता है। अगर सारा कुछ एकदम थम जाता, अगर ये सारी चीज़ वैलिड नहीं होती, तो उस केस में एंट्रोपी जो है उसको आप ज़ीरो कह पाते हैं। बट अभी वो चीज़ ज़ीरो नहीं कह सकते क्योंकि अलग अलग सिस्टम्स में ये एंट्रोपी किसी एक मिनिमम लेवल पर रुकती है और फिर उससे कम आप नहीं कर सकते एंट्रोपी को, ठीक है। एंट्रोपी का होना मतलब सिस्टम किसी तरह के मूवमेंट डिसऑर्डर वगैरह में है और वो रहता है इवन एट ज़ीरो टेम्परेचर, जो कि इस रिज़ल्ट के मतलब ये रिज़ल्ट उस केस में इनवैलिड हो जाता है ज़ीरो टेम्परेचर के केस में। एग्जैक्टली वैलिड नहीं है, ऑलमोस्ट वैलिड टाइप का आप मान सकते हैं। एनीवेज ठीक है, सो 9:30 कैसे हो गया इतने जल्दी? हम लोगों ने क्या क्या, अब जाना है आपको नाश्ता 10 बजे होता है? ओके ठीक है, तो एक सेकेंड रुक जाएंगे, ठीक है। सो थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स, ओके थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स की बात हम लोग की बची हुई है, तो वो कब करना है फिर हम लोगों को? हाँ मतलब नेक्स्ट क्लास कब है अपने पास? थर्सडे को तो असाइन क्लास है हम लोग के पास, बट थर्सडे तक नहीं रुक सकते, फ्राइडे को मेरे को बाहर जाना है, तो चीज़ें बच जाएंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ वही वो मतलब अगर आज तो खैर नहीं हो सकता, हाँ वही मतलब वो अगर आप लोग सभी लोग फ्री रहेंगे तब तो हो सकता है, आज हो जाएगा भाई। वाह, हाँ वही जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है भाई वाह वो हो जाएगा क्या? वो ऑप्शनल थोड़ी है, उसमें भी मार्किंग है ना आप लोगों की। सर से बात किया तो आज तो वो वाइवा लेंगे बोल रहे थे, तो आज तो लेंगे तो फिर वो कल भी लेंगे अगर सबका नहीं हुआ है तो, ठीक है। तो वो स्लॉट हमको नहीं मिल पाएगा, मॉर्निंग में ही मिल पाएगा। खैर एनीवेज कल मॉर्निंग में हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है। क्या क्या बचा हुआ है? थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स बचा हुआ है और कार्नो इंजन। ओके कार्नो इंजन का मैं आपको बता देता हूँ कार्नो इंजन के बारे में 2 मिनट में। मैं सारा डेरिवेशन नहीं करवा रहा आपको, उस चीज़ को आप बुक से पढ़िए, ठीक है। तो आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ रखा है कार्नो इंजन की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी हो सकती है 1-T final by T sink by T source इस तरीके से होता है। और ये आता कहाँ से है? तो इसका जो बेस है एफिशिएंसी कैसे डिफाइन करते हैं किसी चीज़ का, तो उसके पीछे रीज़न होता है एफिशिएंसी मतलब जैसे ज़्यादा एफिशिएंट, जैसे गाड़ी की बात करते हैं कौन सा गाड़ी ज़्यादा एफिशिएंट कहलाता है? जो पेट्रोल कम खाता हो ऑफकोर्स, ठीक है। जब गाड़ी पुरानी हो जाती है तो आप क्या कहते हो, पेट्रोल पिए पड़ा है चलता तो है नहीं इस टाइप का, ठीक है। तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो आप कहते हैं कि भाई एफिशिएंसी का मतलब है कि मैं जो उससे आउटपुट चाहता हूँ, जो मेरे काम की चीज़ है, गाड़ी का चलना आउटपुट होता है, तो जो वर्क मैं उससे चाहता हूँ बाय जो फ्यूल मैं उसको दे रहा हूँ, ये होती है एफिशिएंसी, ठीक है। और किसी सिस्टम में एसेंशियली होता क्या है,
प्रेशर और वॉल्यूम का वेरिएशन वगैरह होता है। गैस की बात करें चाहे किसकी भी बात करें, कुछ पी और वी का जो वेरिएशन होता है उसी की बात एग्जैक्टली नहीं कहेंगे, कंपोजिशन भी वेरी होता है, ठीक है। तो जब गैस की बात करते हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम में वेरिएशंस हो रहे हैं, ठीक है। आप एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में जा सकते हैं, आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं, आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं, आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं, ठीक है। अलग अलग रास्ते हैं आपके पास जाने के लिए। तो उस सिचुएशन में कहा गया कि अच्छा अगर आप यहाँ से इस तरीके से गए, यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से वापस आए, घूम के वापस आ गए, तो जो जैसे हाँ कोई इंजन होता है, 5 मिनट है अपने पास क्या, 5 मिनट है ना, ठीक है। कोई इंजन है जैसे गाड़ी है, ठीक है। गाड़ी में क्या होता है, गाड़ी में आप पेट्रोल डालते हैं और उससे अपना काम निकालते हैं, ठीक। आप पेट्रोल डाल रहे हैं, काम निकाल रहे हैं, तो गाड़ी के अंदर जो स्टील है वो कितने, वो क्या कम होती जाती है, जो इंजन वगैरह बना हुआ है गाड़ी के अंदर जो इंजन है वो थोड़ा दिन में गायब हो जाता है, फिर नया लगाना पड़ता है, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। जो कंज्यूम होता है